वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब? तो वीडियो शुरू करने से पहले तो अपनी वीडियो क्वालिटी एटलीस्ट 480 पिक्सल पर जरूर कर लीजिए, ताकि आपके बाद में जो है कमेंट ना आए कि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। तो वीडियो के राइट अपर कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी जो है वो 480 पिक्सल तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो एक ये चीज़, और दूसरी चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइम पहले तो रख देते हैं फिर अमल में नहीं लाते हैं, मतलब जो हमने लाइव क्लास की बात की थी, हमारी वेंसडे और संडे को 9 बजे जो लाइव क्लास होती थी वो अब नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही है, इसका मैंने रीज़न भी आपको दिया था कि प्लेस पूरी चेंज हुई है नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से। जो है यहाँ पर अभी वाईफाई प्रॉब्लम, ब्रॉडबैंड जो प्रॉब्लम है लॉकडाउन की वजह से, कुछ हद तक वो अभी ठीक पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। तो उस वजह से हमारा पूरा सेटअप अच्छे से नहीं लग पाया है, जिससे कि मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ। लाइव क्लास की मैंने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन आप जिन लोगों ने अटेंड की होगी मेरी लाइव क्लास, उनको पता होगा कि बीच में काफ़ी नेटवर्क इश्यूज आ गए थे, जिससे आप लोगों को भी इरिटेशन होती है। तो इसलिए वो लाइव क्लास अभी नहीं चल रही है। तो एक बार में ही मैंने आंसर दे दिया है आपके जो कमेंट आ रहे हैं। तो जब भी लाइव क्लास नेक्स्ट हमारी होगी, जब भी होगी, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आप उसकी चिंता ना करें। तब तक हम वीडियोस के माध्यम से पढ़ते हैं अपना। तो पॉलिटी सीरीज में जो हम टॉपिक कर रहे थे, वो कर रहे थे हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था कल जो हमने किया था, संसद पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करके चल रही हूँ आपने देखी या नहीं देखी है, कि जो संसद आपने टॉपिक देख लिया है। इसमें हमने देख लिया था कि जो संसद, भारत की संसद जो है उतनी सर्वोच्च या सुप्रीम नहीं है जितनी कि इंग्लैंड की संसद या पार्लियामेंट है। चाहे भारत ने अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ही अपनाई हो, फिर भी अब उसके सेकेंड पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं। तो अगर संसद की बात करें, संसद यानी कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के मेनली जो है आपके 3 अंग होते हैं, 3 इसके मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है आपका लोकसभा, राज्यसभा, और थर्ड है आपका राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। और इनमें से जो लोकसभा है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम निम्न सदन, निचला सदन भी कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। और राज्यसभा को हम अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं। और ये जो नाम है लोअर हाउस लोकसभा के लिए और अपर हाउस राज्यसभा के लिए, निम्न सदन और उच्च सदन, ये जो नाम की पुष्टि आपके संविधान में कहीं नहीं कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोअर हाउस अपर हाउस का नाम कहीं नहीं लिया गया है, इन्हें हम जनरली वैसे ही कहते हैं। लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं और अपर हाउस राज्यसभा उच्च सदन इसे हम कहते हैं। और इसे उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आपके सदस्य होते हैं वो आपके क्या, आप देखेंगे कि वरिष्ठ हैं, एज थोड़े होंगे, एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं वो इन्हें राज्यसभा में रखा जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में तो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन लोकसभा राज्यसभा, जिसमें से लोकसभा हम आज शुरू करेंगे। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि प्रेसिडेंट जो है आपके राष्ट्रपति, वो लोकसभा सदस्य है और राज्यसभा सदस्य है, तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा के, ना ही राज्यसभा के, और ना ही वो किसी के सदन की जो बैठक में भाग ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन के जो ये सदस्य, आपके राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन चाहे ये इनके सदस्य नहीं है, लेकिन ये फिर भी आपके संसद के एक प्रमुख पार्ट है, अभी एक अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन सदनों के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, कोई भी जब आपका विधेयक या जो पारित किया जाता है, कोई भी आपका जो प्रस्ताव है पारित किया जाता है, वो तब तक पूरी तरह से आपका एक्ट या जो अधिनियम नहीं बन पाता है जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपना जो स्वीकृति या अपने जो हस्ताक्षर या साइन ना कर दे। तो इस तरह से इनका एक इम्पोर्टेंट जो है, आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारे पार्लियामेंट के। दूसरा, कुछ ऐसे कार्य है जो इनके बिना नहीं हो सकते, जैसे कि जो आपका संसद का जो सत्र बुलाया जाता है, पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है, तो संसद सत्र को आहूत करना, उसका सत्रावसान करना, वो कब संसद सत्र बुलाना है, पार्लियामेंट सेशन बुलाना है कब, उसको
जो है उसका अवसान कर देना है। ये कौन डिसाइड करता है? ये आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। दूसरा, अगर आपका जो लोकसभा का विघटन करना हो, है ना, तो वो जो कार्य है वो किसका है? राष्ट्रपति का है। इसी तरह अगर आपका पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ना आपका लोकसभा में कार्य हो रहा है ना राज्यसभा में कार्य हो रहा है, और उस टाइम ऐसी इंपॉर्टेंट ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिन कंडीशंस में कोई एक्ट बनाना जरूरी हो जाए, लेकिन क्योंकि आपका इनका सत्र जो है वो नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी कंडीशंस में जो एक एक्ट बनाने के लिए जो अध्यादेश लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है? आपके प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है। तो चाहे ये इनके मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है आपके संसद या पार्लियामेंट के अंदर। बाकी चीज राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में हम पहले ही पॉलिटी सीरीज में कवर कर चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटिकल साइंस फोल्डर में आप पीछे की वीडियो जो है वो देख सकते हैं, और अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस भी सब्जेक्ट फोल्डर आपको मिल जाएंगे, तो वहां आप देख सकते हैं जाकर। ओके, तो ये हमने थोड़ा देखा कि संसद का, कल भी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था, और आज हमने देखा कि इसके तीन जो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके पहला पार्ट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है लोकसभा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लोकसभा, हमने अभी कहा कि लोकसभा जो है आपका, इसे हम निचला सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? द हाउस ऑफ द पीपल। याद रखिए कि जो निचला सदन में बोल रही हूँ लोअर हाउस, इसमें संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है लोअर हाउस लोकसभा के लिए, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो लोकसभा के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी लोकसभा है इसके बारे में आपके कौन से आर्टिकल में मेनली बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकसभा में आपके टोटल सदस्य, टोटल जो मेंबर्स है वो कितने होते हैं, और वो बताया गया है आपके आर्टिकल 81। तो आर्टिकल 81, और इसमें बताया गया है कि लोकसभा के जो आपके कुल संख्या होगी, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनके जो टोटल सदस्य होंगे वो कितने होंगे, और वो कितने हैं? टोटल 552। तो ये हमारे संविधान में लिखित है कि लोकसभा के जो टोटल सदस्य हैं वो 552 हैं। अब अगर आप ये सोचे कि ये जो फिक्स है कि अब जो लोकसभा के सदस्य जो है हमेशा आपके 552 ही रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा सदस्य की जो इनकी सदस्य संख्या है, इनको बढ़ाया जा सकता है, इनको कम भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अगर संसद कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है, संविधान में संशोधन करती है, तो उसके माध्यम से जो है इसकी संख्या को जो 552 है इसे कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए बात करें तो ये जो 552 है ये आपकी अधिकतम संख्या है, मतलब मैक्सिमम जो है आपके लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कितने होने चाहिए? 552। अगर इससे कम हो तो कोई बात नहीं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अब तो इससे 552 बिल्कुल नहीं है, अब इससे कम ही है। तो इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, संशोधन हो सकता है, इसमें कम किए जा सकते हैं, ज्यादा किए जा सकते हैं। दूसरा, ये जो 552 है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम सदस्य की जो संख्या है वो इतनी है। इससे जो है कम बेशक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा, हम देखते हैं कि इन 552 का जो डिवाइड है वो कैसे किया गया है, मतलब इनमें कैसे जो मेंबर्स को लिया जाता है विभिन्न राज्यों से। तो आर्टिकल 81 का, एक मिनट वेट कर लीजिए। तो जो आपका आर्टिकल है 81 में आपका लोकसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या के बारे में बताया गया है, और इसमें जो आपका आर्टिकल है 81(1)(a) उसमें बताया गया है कि जो आपके हमारे देश में जो विभिन्न राज्य है, तो विभिन्न राज्यों से जो लोग आपके लोकसभा में अपने क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो विभिन्न राज्यों की जो सदस्य संख्या है जो लोकसभा में होगी, जो अपने अपने राज्यों को यहाँ पर लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे अपने अपने क्षेत्रों का, तो राज्यों से आए हुए टोटल लोकसभा सदस्य वो आपके टोटल होंगे 530, और ये आपका बताया गया है आर्टिकल 81(1)(a) में। उसके बाद है आपका आर्टिकल 81(1)(2) या फिर आप कह सकते हैं 81(1)
क या 81 1 ख, तो इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि ठीक है, राज्यों की हमने बात कर ली कि जितनी स्टेट है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनके लिए जो सीट रखी गई है टोटल लोकसभा में वो है आपकी 530, तो राज्यों की तो बात हमें पता चल गया। लेकिन दूसरी तरफ है आपके संघ शासित प्रदेश यानी जो आपकी यूनियन टेरिटोरीज है उनका क्या, तो उनके भी तो जो आपके उन क्षेत्रों से भी तो कोई आपके ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो आपके संघ शासित प्रदेशों को यानी जो आपकी यूनियन टेरिटोरीज को भी अपना रिप्रेजेंट करे लोकसभा में, तो उनको भी रखा गया है इसमें आर्टिकल 81 1 2 में। और इसमें बताया गया है 81 1 बी कर ले यहाँ पे, और इसमें बताया गया है कि यूटीज के लिए जो आपके लोकसभा सदस्य होंगे टोटल जो अपने अपने यूटीज को रिप्रेजेंट करेंगे उनकी जो संख्या होगी वो होगी आपकी कितनी 20। ठीक है, तो हो गए, अब इनको हम टोटल करें तो कितना हो गया 550, तो 552 तो अब भी नहीं हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं कि अगर आपके राष्ट्रपति को लगता है कि जो लोकसभा सदस्यों में जो हम देखते हैं कि जो आपके आंग्ल भारतीय समुदाय है, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन अगर उचित मात्रा में नहीं है, तो राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति किन्हीं ऐसे 2 व्यक्तियों को लोकसभा सदस्यों के लिए नामांकित या नॉमिनेट कर सकता है जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय यानी जो आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो। तो जो आपके 2 मेंबर्स रह गए वो आपके कौन उन्हें नियुक्त करता है, कौन उन्हें नॉमिनेटेड करता है, सबसे पहले तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी या आंग्ल भारतीय समुदाय, और इनकी जो कुल संख्या है वो है आपकी 2, तो इनको आप टोटल करें तो आपका हो जाएगा 552। तो इस तरह से इनका जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। ये आपको जो है याद रखना है कि आर्टिकल 81 1 में जो है आपका बताया गया है लोकसभा के बारे में। और जो ये तीसरा पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट है आंग्ल भारतीय समुदाय के, दो समुदाय को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे 2 सदस्यों को जो है वो नामांकित या नॉमिनेट करता है, तो इसके लिए आपका कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, तो इसके बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 331 में। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहला पार्ट हमें क्लियर हो गया आज के टॉपिक का कि लोकसभा के टोटल सदस्य हैं वो कितने होते हैं, उनको कैसे जो है डिवाइड किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो आज का कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं कि जो लोकसभा सदस्यों का जो उन्हें कैसे चुना जाएगा, यानी कि मेथड ऑफ इलेक्शन, मतलब उनको जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं मेंबर्स हैं उनको चुनने के लिए क्या मेथड जो है अपनाया जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है वो मेथड के बारे में बात की गई है, और वो हम देखें तो ये आपके जो है 4 पॉइंट्स यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। ये है आपके मेथड कि लोकसभा के सदस्य के मेंबर्स को चुनने के लिए क्या पद्धति या मेथड को अपनाया जाता है, जिसमें आपके मेनली 4 स्टेप को फॉलो किया जाता है। इनको एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या है। पहला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो नाम से वह चल रहा है कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि जिन व्यक्ति को लोकसभा सदस्य बनने के लिए चुना जाता है वो कहाँ से चुने जाएंगे, तो अपने अपने क्षेत्रों के, कहीं भी ABCD आप कोई भी नाम ले लीजिए, तो अपने अपने क्षेत्रों से जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों को जो रिप्रेजेंट करेंगे उन क्षेत्रों में पहले तो क्या होगी, वोटिंग होगी, और उन क्षेत्रों से वोटिंग करके वोट के माध्यम से जो एक सदस्य आगे आएगा जीतकर उस वो जो है उस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो उस पूरे एरिया से जो है अपना मतदान या वोटिंग के माध्यम से लोगों ने उसे डायरेक्ट रूप से चुना है, और वो उस पूरे एरिया को क्या है रिप्रेजेंट करेगा कहाँ आकर, आपके लोकसभा में आकर लोकसभा सदस्य के रूप में। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एक टेरिटोरी को, एक प्रदेश को पूरा जो रिप्रेजेंट करेगा, कौन करेगा आपका, वो व्यक्ति करेगा आपके लोकसभा के सदन में, तो लोकसभा सदस्य के रूप में जो है भारत के प्रत्येक क्षेत्र से जो है आपके जो व्यक्तियों का चुनाव होता है, डायरेक्ट आपका मतदान होता है आपका
प्रत्यक्ष रूप से जो है आपके लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं डिफरेंट एरिया से, और उन एरिया से एक जो रिप्रेजेंटेटिव आता है और उस एरिया को, अपने एरिया को जो है लोकसभा सदस्य लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र या सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर आप कहें कि ठीक है, हमें पता चल गया कि अपने अपने जो क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कहाँ पर, लोकसभा में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस भी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां से उसके अलावा कोई और भी चुन लिया गया हो, मतलब कि दो लोग जो है, दो या तीन लोग जितने भी मान ले, एक से अधिक लोग जो है वहां से चुन ले जाए और अपने आप को जो है अपने क्षेत्र को वो सभी रिप्रेजेंट करें लोकसभा में। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाकी देशों में ऐसा होता है, लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत ये साफ लिखा हुआ है कि जो लोकसभा सदस्य जो चुने जाएंगे वो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा उनका, यानी कि किसी एक एरिया से, किसी एक क्षेत्र से वोटिंग के माध्यम से सिर्फ एक सदस्य को जो लोकसभा सदस्य के रूप में जो चुना जाएगा, और वही जो सदस्य है अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा में। तो एक से ज्यादा लोगों को एक एरिया, किसी भारत के किसी भी क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में चुना नहीं जाता, सिर्फ एक सदस्य को चुना जाता है एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र या सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट कर ले जहां भी आपको डाउट हो। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन, है ना, कि जो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन जो आपके लोकसभा सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और किनके द्वारा होता है? वयस्क मताधिकार के माध्यम से, मतलब जो आपके एडल्ट फ्रेंचाइजी है उनके माध्यम से आपका जो है वोटिंग होती है और आपके लोकसभा सदस्यों का जो है चुनाव होता है, किसी भी जो एरिया वाइज जो है उनका चुनाव होता है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, पीछे की बात करें इतिहास में, तो पहले जो 1988 लिख ले यहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो 1988 से पहले क्या था कि जो आपका मताधिकार का, जो वोटिंग करने का जो आपका राइट था, अधिकार था, वो किन किन का था? तो इसके लिए आपकी जो एज लिमिट जो निश्चित की गई थी, वो फिक्स की गई थी, वो थी आपकी 21 ईयर्स, यानी कि आपको अगर वोट करनी है लोकसभा सदस्यों के लिए तो आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए। ऐसा 1988 से पहले था, लेकिन बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसे बदल दिया गया, और वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ आपका 1988 में हुआ, और इसके माध्यम से 21 ईयर्स जो आपकी एज लिमिट थी चुनाव जो वोटिंग करने के लिए मतदान करने के लिए, इसे कम करके कितना कर दिया गया, इसे आपका कर दिया गया 18 ईयर्स। तो अब भी यही स्थिति है, अभी जिसकी भी जो 18 साल की उम्र हो चुकी है वो आपका वोट कर सकता है। तो कितनी, लगभग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबकी तो हो ही चुकी होगी 18 साल की उम्र, या फिर जो पहले ही अपने सरकारी नौकरियों की तैयारी करने लग गए हैं तो शायद उनकी नहीं भी हुई होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों की, आप सभी की इतनी आयु तो हो ही चुकी होगी, तो आप सभी लोग जो है एलिजिबल है लोकसभा सदस्यों को चुनने के लिए, या फिर अन्य जो आपकी वोटिंग होती है आपके लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जितने भी पद है उनके लिए वोटिंग होती है, उन सभी पदों के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर्स ही है, और आप उन सभी जो सदस्यों को, मेंबर्स को चुन सकते हैं। क्लियर? तो ये थर्ड पॉइंट था कि क्या जो है, तीसरा पॉइंट हमने देखा लोकसभा सदस्यों को चुनने के लिए तीसरी कंडीशन क्या है, और लास्ट है सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति। अब आप ये मत समझिएगा कि खंबा छूने की पद्धति यानी कि जो हमारा पास वाला खंबा है घर के, हम उसे ही छू के आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति, यानी कि जब वोटिंग होगी आपके अपने अपने एरिया से जो लोग चुने जाएंगे लोकसभा सदस्य बनने के लिए, तो जो सबसे पहले जो है बहुमत जो चुनाव में जो चुनाव होगा उनके लिए, और उस इलेक्शन में जो सबसे पहले जो जिसे बहुमत मिल जाएगा, जिसे सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे, वही जो है आपका लोकसभा सदस्य
बन जाएगा। अब यह जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम कोई कोटा निर्धारित करें। अगर हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि कोटा निर्धारित होता था कि 50% से ज्यादा हो जिसको वोट मिलेंगे वो आपका जो है राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो यहाँ पर कोई कोटा नहीं रखा गया है, सबसे पहले खंभा छूना मतलब जिसे सबसे पहले जो है ज्यादा वोट मिल गए बाकी लोगों की तुलना में वो आपका लोकसभा सदस्य बन गया। अब वो ज्यादा वोट का जो चाहे वो जो वोट डिफरेंस कितना ही हो उस पर कोई कुछ डिपेंड नहीं करता, फिर चाहे टोटल वोटिंग का यानी कि आपकी 100% वोटिंग लगाए और 100% वोटिंग में से अगर किसी को 10-15% ही वोट मिले हैं लेकिन बाकियों को अगर देखें तो 1-2% किसी को 5% किसी को 8% मिले हैं, तो फिर भी उस व्यक्ति को जिससे 10-15% वोट मिले हैं सिर्फ इतने कम वोट होने पर भी उसे लोकसभा सदस्य बना लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले खंभा छू लिया है, मतलब सबसे पहले जो है उसे क्या है बाकी लोगों से क्या है आपके ज्यादा उसे मताधिकार मिल गए हैं। जब हम पूरी वोटिंग गिनते हैं आपका जब वोट डालते हैं लोग उसको जब गिनती होगी तो देखा होगा कि देखते हैं कि चले वोटिंग कर ली है हमने और सबसे ज्यादा जो वोट इसे मिल रहे हैं। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि उससे जो कितनी वोट से वो जीता है कि उसने 50% का कोटा तय किया है या नहीं किया है, 50% से ज्यादा उसे वोट मिले हैं नहीं है, बस उसे वोट ज्यादा मिल गए हैं फिर चाहे कितने ही उसे वोट मिली हो उसे जो है आपका लोकसभा सदस्य बना दिया जाता है। तो ये आपके जो है क्या है चार जो स्टेप है कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स कैसे उन्हें चुना जाता है, ठीक। और ये आपको याद रखें चीजें। उसके बाद जो आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन में हमने बात की थी कि जो आपके लोकसभा सदस्यों के लिए चुनने के लिए जो है आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है वयस्क मताधिकार के द्वारा यानी कि जो आपके 18 ईयर से लोग हैं वो उन्हें चुन सकते हैं। इसके बाद में आपके बताया गया है आर्टिकल नंबर 83(2) में, तो यहाँ लिख ले 83(2) में यह है आपके बताया गया है 326। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो आगे हम देखते हैं इसके बाद एक और जो है आज के पॉइंट में रह गया हमारे आज के टॉपिक में, उसका जो आधा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें क्या है कि लोकसभा का सदस्य बने रहने की जो अवधि क्या होगी, मतलब कितने समय तक कोई जो है आपका लोकसभा सदस्य बना रह सकता है, तो इसकी क्या लिमिट है आपकी कितने हैं 5 ईयर्स। तो लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है अवधि कितनी है 5 साल तक की होती है और 5 साल तक की अवधि होती है ये फिक्स है, लेकिन कई बार क्या होता है ये जो अवधि है वो आगे भी बढ़ सकती है। और वो कैसे बढ़ सकती है, और ये जो याद रखिए 5 साल की जो अवधि है वो कब से काउंट होती है, जब आपका लोकसभा का जो पहला अधिवेशन होता है पहली जो मीटिंग होगी आपके तब से ये 5 ईयर्स जो है काउंट किए जाते हैं। और ये 5 ईयर्स को आगे कब बढ़ा सकते हैं, मतलब जो आपके लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल फिक्स किया गया है 5 साल, लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल है ये आगे बढ़ सकता है स्पेशल कंडीशन में, कब, जब देश में जो है आपका आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगा हो। और इसके बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 83(2) में कि अगर देश में आपके आपातकाल है तो संसद जो है आपके विधि के द्वारा जो है आपका जो लोकसभा का कार्यकाल है वो आगे बढ़ा सकती है, लेकिन संसद एक बार में सिर्फ 1 साल तक जो है आपका लोकसभा का कार्यकाल आगे बढ़ा सकती है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया है कि जो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी कि कब तक जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि संसद इसे एक बार के लिए जो लोकसभा का कार्यकाल है 1 साल तक आगे बढ़ा सकती है। कितने बार ऐसा कर सकती है ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया है। तो लोकसभा का कार्यकाल है वैसे तो 5 ईयर्स जो है आपका फिक्स है सदस्यों के लिए, लेकिन इसको आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब देश में जो क्या हो आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी घोषित हो, आर्टिकल 83(2) के तहत यह है बताया गया, क्लियर। तो ये आज के 3 सब टॉपिक्स हमने देखे थे आपके क्या है लोकसभा के हमने पढ़े हैं। पहला है आपका लोकसभा मेंबर्स के बारे में, दूसरा हमने देखा आपका कि क्या मेथड है उन्हें चुनने के लिए, और तीसरा हमने देखा कि उनकी जो अवधि है लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल है वो कितना होगा। तो आप लोग के काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैम आप इतनी जो छोटी वीडियोस क्यों बनाते हैं, मेरी एवरेज लगाए 15-20 मिनट की वीडियो होती है। तो इसके भी रीजंस हैं, अभी मतलब आपको पता है कि थोड़े जॉब के चक्कर में मैं अभी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, कम दे पा रही हूँ, तो उसके लिए रियली सॉरी।
लेकिन अभी ऐसे ही बने रहें, जब थोड़ा पढ़ाऊंगी तो आप भी जो है वीडियो रेगुलर देखते रहेंगे और पूरी देखेंगे, तो किसी तरह आपके लिए भी बेनिफिट होगा। अगर लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी कई बार हो सकता है बोरियत फील होने लगे, तो छोटे छोटे टॉपिक को बस रेगुलर करते रहिए, जिससे आपका भी जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। मेन चीज़ है आपको याद रहेगी छोटी वीडियोस, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।